जीआईटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि यह एडवांस क्लास चल रही है डिप्लोमा की, ठीक है, और जिसमें हमारे सक्सेस पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक पीडीएफ शो कराना चाहता हूँ जैसा कि मैंने बनाया है पहले। और ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा हमें सक्सेस को प्रेजेंट करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप भी ऐसा नोट्स तैयार करते हैं, अभी तो बहुत नॉर्मल तरीके से बना हुआ है, आप चाहें तो कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो हमें सक्सेस खोल के पढ़ लेंगे लाइनें तो मतलब समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमें सक्सेस का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये हमें सक्सेस आल्सो नोन एज ऑफिस एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोला जाता है। इट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट रिफाइन है मैं आप लोगों को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एक्सेस वी कैन क्रिएट डाटाबेस। कोई पूछता है कि डाटाबेस के मदद उससे क्या कर सकते हैं, सॉरी एक्सेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस, क्या क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस एंड मैनेज इट, और इसको क्या कर सकते हैं मैनेज भी कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो क्रिएट ए फॉर्म, और क्या बना सकते हैं इसके मदद से, फॉर्म वगैरह बना सकते हैं, रिपोर्ट क्वेरी एंड डाटाबेस, क्या कर सकते हैं रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं और डाटाबेस, डाटाबेस का आप रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो, क्वेरी भी कर सकते हैं। कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस एक्सेस इज दैट बाय क्रिएटिंग और मैनेजिंग डाटाबेस वी डू नॉट हैव टेक हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इन एम एस एक्सेस रूट होना चाहिए वर्क, सॉरी वर्क ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कोई पूछेगा कि एम एस एक्सेस किस पे वर्क करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित होता है, एक सीयूआई पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, तो अभी के किस पे आधारित है, जीयूआई पे। तो एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि एम एस एक्सेस जो वर्क करता है वो जीयूआई पे करता है। जीयूआई का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल, स्पेलिंग गलत है ग्राफिकल की, जी आर ए पी एच होगा, पी एच आई सी ए एल, ग्राफिकल। पढ़ाई हो गया। अब इसका एक्सटर्नल नेम क्या है, जानते हैं आप लोग, एक्सटर्नल नेम का मतलब एक्सटेंशन नेम बोला है, एक्सटर्नल एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन क्या होता है डॉट एच टी डी बी, लॉन्च कब हुआ था 13 नवंबर 1992, और उसका पेज नेम क्या था टेबल, जिसने आप बनाते पहले क्या बनता है टेबल, वो नहीं बनता है ना, याद है ना टेबल बनता है सबसे पहले, ले लीजिएगा पेज नेम टेबल था। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज इसका यूज किया गया बनाने में वो है C++ का। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि ये मेरा है, मैंने लिखा है, तो मैं आपको ये फॉरवर्ड करा दूंगा और इसके हिसाब से नोट तैयार करेंगे आप अच्छे से, ठीक है। क्या नाम है आपका, बैठ जाइए, कई दिन बाद आ रहे हैं क्या, तो इन बार आ रहा लग रहा है, बताइए जाएगा। कैसे पढ़ाई होगी। बात चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए, कह रहा है टू ओमेस एक्सेस एक्सेस को ओपन करने के लिए आप क्या टाइप करते हैं, विंडो आर, और क्या लिखते हैं एमएस एक्सेस, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो कर लिए और बहुत आगे चले गए हम आगे चलेंगे डायरेक्टली, ये पॉइंट तो लिख लिया आप, है लिख लिया बाबू, अरे क्या है, अरे फोटो मार लो,
जो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दिला दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले ये हम लोग कर ही लिए, हेडिंग टाइप, ड्यू, पेड, फिटे, ईमेल, ये सब हो ही गया है। उसके बारे में देखो लिखे भी है, टू मेक डाटाबेस इन एक्सेस फर्स्टली वी क्रिएट हेडिंग डाटा टाइप डिजाइन व्यू एंड देन वी कैन क्रिएट डाटाबेस इन डाटा व्यू, सब बना चुके हैं हम लोग, फिनिश। फिल्टर भी देख ही लिए हैं, इट इज यूज टू सॉर्ट पार्टिकुलर डाटा, फिल्टर करना जानते हैं ना। अच्छा यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की भी दिए हुए हैं, तो फाइंड उन कर जानते हैं आप लोग, स्पेलिंग चेक वगैरह का, डिलीट आइटम के लिए डेल बटन दबाते हैं जानते हैं, डिलीट बटन दबा दिया जाता है, सेव करने के लिए यहाँ शिफ्ट इंटर का यूज किया जाता है, और न्यू आइटम बनाने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा शॉर्टकट की, यहाँ क्रिएट न्यू आइटम के लिए कंट्रोल प्लस प्लस और सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर। हो गया, चलिए बाकी नहीं लिखना है, स्पेलिंग चेक तो जानते हैं आप, प्रेस और उसका बस दो ही लिखना था, दो लिख लिया, सब छाप रहे हो लग रहा है, ठीक है। क्रिएट फॉर्म, फॉर्म बनाना सिखा दिए ना कल, देखिए स्टेप लिखा है, क्रिएट मेनू, ब्लैंक फॉर्म, डिजाइन व्यू, फील्ड लिस्ट, इंसर्ट डिटेल विच यू वांट, सेव व्यू, फॉर्म व्यू, ये सब दिखाई दिए आप लोग, बटन बनाई सीखी है आप लोग। हाँ जी चलिए, टू अप्लाई हेडिंग हेडर फुटर लोगो सिलेक्ट द फॉर्म, अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं पढ़े ना, ये पढ़ा दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि फॉर्म पे अपना लोगो वगैरह लगाना, टू अप्लाई हेडिंग हेडर फुटर कुछ भी ऐसा लगाना तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, इन विच यू will want to apply, you want to apply open design view, design view open करेंगे, design menu जाएंगे, header footer पर ऑप्शन पे जाएंगे और footer header में logo apply कर लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले window R कर लिया, MS Access, MS Access 10.4 ना बोला है, form में चले आइए, form में जाने के बाद से किस view में चले आइए, design view, और कहा है design view में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, डिजाइन व्यू में जाने के बाद डिजाइन मेनू है, किसमें, डिजाइन मेनू में, डिजाइन मेनू में ऑलरेडी हैं हम, डिजाइन व्यू में जाने के बाद से ऑप्शन आएगा हेडर फुटर का, देखिए तो हेडर फुटर का ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल टाइप कहाँ डिजिटल और टाइप ये ना हेडर फुटर इसी के भीतर क्या दिया हुआ है, मतलब हेडर एंड फुटर क्या बात किया गया है, यहाँ हेडर और फुटर ग्रुप है, हेडर फुटर क्या है, ग्रुप है, देखो हेडर फुटर क्या है, ग्रुप है, उसके भीतर क्या दिया हुआ है, लोगो दिया, तो हम आप इसका लोगो सेट कर सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं और डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, ये तीन चीज हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए कहाँ क्लिक करेंगे, लोगो का पूरा नाम क्या होता है, पहले लोग बोलते थे लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, पहले ये था लेकिन अब चेंज हो गया है, लोगो का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म आप लोगो लिख लीजिएगा, लोगो का पूरा नाम होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, पहले क्या था लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, लेकिन अब क्या हो गया लैंग्वेज, बस वही लॉजिक की जगह लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड,
हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस लोगो पहने के बाद से आपको लोगो पे क्लिक कर लेना है, और लोगो कहाँ है, कहाँ से रखना चाहते हैं, जो भी होगा पिक्चर में कोई जीआईटी वाला लोगो होगा, जीआईटी वाला लोगो ही ले लेता है, और है इसके अलावा ये ये चीज है। ओके पूछ रहा है लोगो कहाँ, देखो लोगो लग गया कि नहीं लगे। हाँ बस अब वापस से फॉर्म भी खोलिए, देखिए अब लोगो लग गया। तो किस संस्था का ये फॉर्म है इसकी बात भी आ गई, ये भी क्लियर कर दिया आपने, ये रहा जीआईटी का लोगो, होता है ना हर जिस चीज का फॉर्म भरना लिखा रहता है ना। ओके फिर डिजाइन व्यू में आइए, समझ आएगा कैसे लोगो लगाना है, और यही लगेगा लोगो, इसको मूव भी करा सकते हैं बीच में साइड में जहां भी करना है, ठीक है। और यही क्या दिया हुआ है, टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, यही बगल में टाइटल भेज देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे गायत्री ट्यूब और टेक्नोलॉजी पटना। ठीक है बस बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सब जानते हैं आप लोग, जो भी करना होगा वो में आइए, यहीं से बोल्ड हो गया, हाँ इटैलिक हो गई, थोड़ी सी साइज बढ़ाना घटाना जानते हैं आप लोग, कलर चेंज कर, कलर चेंज कर लीजिए। हो गया बस, वापस कहाँ जाएंगे, सेव करते रहेंगे ना, सेव करने से क्या होगा, किसी चीज अप्लाई होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है तो नोट कर लीजिएगा, ये भी कहाँ जाना है बाबू उसके लिए। अब पहले हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, हेडिंग बनाइए आप लोग ऐसे बिल्कुल जैसे बनाया है हेडिंग, टू अप्लाई हेडिंग हेडर और फुटर लोग एंड लोगो और लोगो, मतलब जो भी चाहिए आपको, चाहे हेडर हेडर लगाना हो या लोगो लगाना। लोगो का पूरा नाम क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ऑरिएंटेड, याद करते रहेंगे, अगर पूरा याद रहेगा ज्यादा बेहतर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं ये है। हो गया, तो अप्लाई हेडिंग है हाईलाइट करके थोड़ा लिखिएगा और ये लिख लीजिएगा सिलेक्ट फॉर्म, ये स्टेप सही रहेगा ना, अब तो हेल्प हो जाएगा आप लोग का, अब तो हेल्प हो जाएगा आप लोग का। यस ठीक लिख लीजिए, तो ये हो गया आपका, ये क्या पढ़े हैं आप लोग, नो मैडम लोगो लगाना और हेडर लगाना, कोई दिक्कत है, व्यू चेंज करिए, देखिए व्यू चेंज करने से ऑप्शन बदल जा रहा है लोगो, और डेट एंड टाइम भी लग जाता है, क्या लग जाता है, डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम जो भी लोगो जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, इंक्लूड टाइम, सिर्फ डेट चाहिए कि टाइम चाहिए, मैंने कहा दोनों इंक्लूड होने चाहिए, क्लिक कर लिए, देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गया, लेकिन बहुत उधर चला गया देख रहे हैं ना, तो इसको क्या करना होता है, थोड़ा सा उठा के लाना होता है किनारे, टाइम नीचे आ गया देख रहे हैं ना, ठीक है, और डेट को नहीं गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं बहुत बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर दीजिए, सब बड़ा हो जाएगा, ये दिक्कत है, कंट्रोल जेड जेड, देखते हैं शो करा, पहले देखते हैं कहाँ शो हो रहा है, नहीं शो होगा लेकिन जानते क्या होगा, किनारे चला जाएगा, आ रहा ठीक है, ठीक रहने दो, ठीक है। अच्छा इसको भी वापस चलिए, डिजाइन भी कोई इस टाइम मूव हो, अब ठीक है बस, कितना बहुत, हाँ भाई देख लो ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्या करेंगे, हाँ तो भाई सिस्टम से मांगता है वो, सिस्टम जो उसको प्रोवाइड करता है, एक्सेल में कल उसमें पढ़ाए थे, नहीं बताए थे कि हमसे पूछोगे सर 5 प्लस 5 होगा 7, 7 बताएंगे, 7 ही नहीं लिखोगे, साथ में होता है जी सर जी सर कह 5 प्लस 5 7 होता है, ठीक है।
कोई बात नहीं, तो इसको भी सेव कर लिया जाएगा। वो तो आप आपका शीट पे क्या क्या लग गया, लोगो लग गया, हेडर हेडर लग गए, टाइम एंड डेट। तो यहाँ एक चीज नोटिस किया होगा आपने, जब टाइम एंड डेट ले रहा था मैं, तो वहां ऑप्शन पूछ रहा था कि सिर्फ डेट चाहिए इंक्लूड, मैंने दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, टाइम और डेट दोनों को। अगर सिर्फ मुझे डेट चाहिए होता डेट ले थे, सिर्फ टाइम होता चाहिए टाइम देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने सैंपल के तौर पे दोनों ले ली। समझ रहे हैं ना, कर लेंगे आप लोग भी, बस यही करना है। चलिए हो गया, बस काम खत्म हो गया। तो अब तो ए भी हो गया, लोगो वाला हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यानी ये वाला हमारा काम हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में, क्या बोलोगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट जाते हैं ना, किसी के बारे में डिटेल कर ले करना। अब रिपोर्ट के लिए क्या करना है, कह रहा है टू, आप लोग ही हेडिंग बना लीजिए, रिपोर्ट, रिपोर्ट हेडिंग बना लीजिए। हाँ स्टेप भी लिख लीजिए। अच्छा तो अब रिपोर्ट तैयार करने का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए, अभी हमने लिस्ट बनाई है, टेबल बनाया था, फिर हमने उसकी मदद से क्या बनाया था, फॉर्म बनाया था। तो फॉर्म में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हम एक साथ देख पा रहे थे, नहीं, अलग अलग में देख रहे थे, अलग अलग करके। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन अगर हम चाहते हैं जितने का बनाया है सबका एक ही पेज पे दिखने लगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, रिपोर्ट तैयार, क्या कर तैयार करेंगे, रिपोर्ट। उसके लिए कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपको क्रिएट मेनू में रिपोर्ट ग्रुप और रिपोर्ट विजर्ड, देखें पहले तो क्रिएट में आएंगे और कुछ दिख रहा है इसमें आपको, रिपोर्ट रिपोर्ट दिख रहा है, और रिपोर्ट में आने के बाद कौन सा रिपोर्ट पे जाना है, रिपोर्ट विजर्ड पे, कहाँ जाना है, रिपोर्ट विजर्ड। और यहाँ आने के बाद से आप जिसको प्रियोरिटी देना चाहते हैं, प्रियोरिटी का मतलब जो पहले पे रखना चाहते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर को, स्टूडेंट नंबर को, जिसको भी प्रियोरिटी देना चाहते हैं उसको आप प्रियोरिटी दे सकते हैं, ठीक है, जिसको प्रियोरिटी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रियोरिटी दे दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, और क्या ले लिया जाए, मोबाइल नंबर, बस इतना, इतने फील्ड हमको चाहिए होगा इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ना, पूरा डिटेल है ना, पूरा फी पेड का, लेकिन हमको कितनी चीज चाहिए, सिर्फ इतनी चीज चाहिए, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के लिए बोला ना, देखो स्टेप में क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला है रिपोर्ट ग्रुप में, रिपोर्ट में सिलेक्ट टेबल, किसको सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल को, टेबल हमारा बैक करते हैं, टेबल हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे अगर और भी टेबल हम बनाए होते हैं तो यहाँ दिखता है, लेकिन हमारे पास कितना टेबल है, एक ही टेबल है, सिलेक्ट क्यों लिखा गया है, मान लीजिए आप दो टेबल बनाए होते हैं और किसी एक टेबल का रिपोर्ट तैयार करना था, तो उस टेबल को सिलेक्ट कर लेते, यहाँ कितने टेबल हम बनाए हैं, ए किस नाम से, और यहाँ भी किस नाम से दिखा रहा है स्टूडेंट, अगर दो होता तो यहाँ डॉट नोट स्क्रीन पे दूसरा भी दिखता, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जो जो प्रियोरिटी लेनी है आपको उस सिलेक्ट कर लीजिए, ये लिखा होगा यहाँ पे प्रियोरिटी, जिसको कर, सॉरी सिलेक्ट डिटेल इन फॉर्म फील्ड जो चाहिए, नेक्स्ट करिए, क्या करिए, नेक्स्ट करिए, और प्रियोरिटी जिसको भी देना चाहते हैं, प्रियोरिटी जिसको देना चाहते हैं, प्रियोरिटी किसको दे दिया जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रियोरिटी दे दिया जाए, प्रियोरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पहले प्रायोरिटी है, ये है वही प्रियोरिटी पे रहेगी, ठीक है। देखो प्रियोरिटी किसको दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और क्या कर दिया, नेक्स्ट करके पूछता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं करा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, फिनिश कर दीजिए, यहाँ कुछ करिएगा, उसे का लेआउट कैसे रखना है, स्टेप, ब्लॉक, आउटलाइन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लैंडस्केप करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, क्या रख दें, पोर्ट्रेट ही रख दें, यहाँ पर क्या पूछा है, नेक्स्ट नेक्स्ट, मॉडिफाई रिपोर्ट डिजाइन फेस एडजस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ही कर देते हैं, पूछ रहा है प्रीव्यू, प्रीव्यू देखना है कि मॉडिफाई रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडिफाई रिपोर्ट डिजाइन, मॉडिफाई करना है मतलब, तो क्या कर लेंगे हम भी, मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, और क्या करेंगे, फिर प्रीव्यू देखते तो यहीं से प्रीव्यू दिख जाता, और फिनिश कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा नीचे करके इसको एडजस्ट करना होगा, देखना है ना, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फोटो नहीं लाया है, फोटो भी चाह रहा था लेते आना,
ठीक है, और लाने के बाद क्या करेंगे, देख रहे हो सबको आ जाएगा, और ऐसे ही करने के बाद क्या करेंगे, व्यू रिपोर्ट व्यू पे आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए सबका डिटेल आने लगा, देखिए तुम ठीक है सर, हाँ सबका डिटेल आने लगा, तो क्या कह लिए थे, वही वही आ रहा है कि उसके अलावा कुछ आ रहा है, भाई अगर फोटो भी ले लिए होते तो क्या होता, यहाँ पे उसका उसका फोटो भी आता, तो आप चाहिए तो फोटो आप लोग ले लीजिए। हाँ एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, देखिए एक रिपोर्ट तैयार हो गया किस नाम से, बस यही आज की क्लास में करना है, कर लेंगे, लिखवा दिए ठीक, थैंक यू, और ये याद रखिएगा, सच्ची बताओ